बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाई कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करें, अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में इजाफा करें। तो मेरे इतने दिन से वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि मेरा मोबाइल टूट गया था और बड़ा बुरे तरीके से टूट गया था। तो मैं 14 अगस्त के भी इनकी वीडियो बना पाई, कुछ भी नहीं। तो कुछ छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी 14 अगस्त के। तो अभी हम लोग, आज हमारी दावत है। मेरे मामू का बेटा जो है वो दुबई से आया हुआ है, तो कल वो वापस जा रहा था, उसकी हम लोग ने दावत की है। तो अभी अब्दुलरहमान हमारे साथ है। तो अब्दुलरहमान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम करते होते हैं। हम आए थे मंदी से ले रहे थे सब्जी, सामान लेके हमने घर जाना और भी चीजें लेनी है। मैंगोज पापा आएंगे तो फिर ही करेंगे गाइस। पापा को 10 महीने लग गए आने में। बाबा कब आ रहे हैं? 10 महीने 10 दिन इनके बाबा के आने में रह गए हैं 10 दिन। और हमने करनी है पार्टी हो रही है। हाँ, फिर तो पार्टी हो रही है। तो अभी बस मामा सामान ले रही है, अम्मी सामान ले रही है, जो भी आज दावत में पकाना होगा। जो भी जब ईद हुई थी हमने ले लिया, ईद नहीं हुई थी, 14 अगस्त हुई थी, तो इनको मैं घुमाने भी लेके गई थी। फिर मेरे पास मोबाइल टूट गया हुआ था, वो काफी ज्यादा एक्सपेंस आ रहा था मोबाइल पे। मोबाइल ठीक करवाने के बाद मैं सबसे पहले मैं व्लॉग बनाऊँ। मेरे व्यूअर इंतजार कर रहे होंगे कि इनका व्लॉग नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप सबसे यही है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं हम लोग वीडियो कैसे बना रही हैं। तो अब्दुलरहमान, आज हमारे घर कौन आ रहा है? कहाँ से आए उमर मामू? दुबई से आ रहे हैं। और वो बोलते हैं इतनी तेज है ना, बहुत तेज बोलते हैं। अच्छे भी तो है ना लड़के। तो अभी फिर मामा नानों का ले गई हैं, चिकन ले रही हैं। मुझे तुमने क्या करना सोगा? नहीं, तुम्हारे पापा आ रहे हैं ना, तो फिर जाके तुम लेके आना इनके बाइक में। इनके पापा जाते तेरे कहता था कौन सा, फिर इसके पापा कहेंगे चौन सा। बिरयानी खानी है, जाओ पूछ के कितने की प्लेट है। बिरयानी लेके आएंगे गाइस, तो हमारा भाई बिरयानी लेके आ रहा है। आज हमारे घर दावत है, मेहमानों ने आना है, हमने खाना खाना है। और खाना बनाना नहीं है? कितने की है? 150 की। 150 वाली ले आओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? तकरीबन मौसम इतना ठंडा हुआ है, वैसे गर्मी का एसी लगाने का नहीं है ना। अभी इसके बाबा आ रहे हैं, फिर उन्होंने गाड़ी ठीक करवानी है, तो काफी ज्यादा काम है। अभी उन्होंने आने की डेट नहीं बताई, वो कह रहे मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं भी पता लगवा लूंगी कि कब आना है तुम्हारे पापा ने, है ना। कितना फेमस हुआ है ना, है ना। अब्दुलरहमान को आते आता पर ले। ये देखो पठान है, ये बच्चा ही देखे, बच्चा कैसे भाग रहा है छोटा। इसको बुला इधर, छोटा बच्चा। ये देखो अब्दुलरहमान की मम्मी वीडियो बनाता, कितने छोटे बड़े कैसे लगे हुए हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे लगे। मम्मा मैं बनाता हूं। ओए कितने छोटे छोटे बच्चे और कितना टक 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 करने लगे हैं। तुम्हें तो ऐसा आता नहीं है। ओए ये तो रजबिया लग रहा है, छोटा है। तुम्हें भी आता है, करके दिखाओ। इसको बताओ, इसको भी आता है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? रोहान। वाओ कितना प्यारा नाम है। इसका नाम बुरहान है, इसका नाम बुरहान है। हाय कर दो। अल्लाह अल्लाह, कितने एक्सपर्ट बच्चे हैं। अब्दुलरहमान तुम्हें तो नहीं आता है ऐसे, है ना, जैसे इन बच्चों को आता है। ले दो मां करके। हम लोग यहाँ पे शुरू हुए काम करने के, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों को दावत का पता चला है, उन्होंने हमारी तरफ आना है। क्योंकि सेमी अम्मी लेके हैं, साथ में दूध है, प्याज टमाटर के, चिकन लेके आई हैं। तो अभी मैं ये चावल चुन लूँ, तो फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ अम्मी क्या क्या।
करने लगी। अम्मी ने रख लिया कढ़ाई चूल्हे पे, तो हमारे घर हो रहा है काम। आज मेहमानों ने आना है तो कच्चे चावल की खुशबू सुन के आ गई थी। यहाँ मुझे जल्दी फास्ट फ्राइड प्याज बना लेंगे, तो मैं चिकन धो लेती हूँ, टमाटर वगैरह बना के हम चिकन बनाते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं। मामा ने जो चावल बनाने हैं उनका लिए मसाला बना रही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ मामा ने चिकन रख दिया। मामा की जो स्पीड होती है ना बहुत तेज़ होती है, और मामा जल्दी से जल्दी 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 सारा काम कर लेती हैं। अम्मी जादू से काम कर लेते हैं आप तो सारा। अभी अम्मी हम खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि मरीज वगैरह के पापा आ रहे हैं, तो फिर अम्मी कहती हैं कि बहुत रौनक लगती है हमारे घर। पता होता है कि मर्द है और काफ़ी रौनक होती है उनकी, काफ़ी शोर शराबा होता है, और बहुत से काम होते हैं जो मैं नहीं करती। मैं उनको कहती हूँ आप ये करवा दें, आप करवा दें। ये मम्मा ने डाल दी मसाला, ये डाल देती है तेज़ पत्ता भी मैं डाल दी मसाला। हाँ अभी हम इसमें डालेंगे चावल। वाह 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 मज़ेदार से ये चावल बन रहे हैं। तो अभी मैं देखती हूँ बच्चे क्या करे हैं। आपको मैंने एक चीज़ दिखानी थी, ये दुआ देख रही है टीवी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, वो चीज़ ये है कि जो हमारा टेरेस होता था ना वो नीचे वाले ने बंद कर, ये देखें हमारी वॉशिंग मशीन यहाँ उठी थी, फिर हमने ये यहाँ पर रख ली, और ये जो टेरेस था ना सारा ओपन टेरेस, ये इन्होंने ना सीमेंट की दीवार कर दी। हम लोग को इतनी तंगी हो रही, इतनी ज़्यादा हवा बंद हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मम्मी के कमरे का दरवाज़ा था तो ये इधर से देखिए ये सारी सारा इन्होंने बंद करके ना अपने रूम में इस्तेमाल किया। तो हमने ये वॉशिंग एरिया बना दिया, वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख दी है, पौधे छोटे हमने ये सेट कर लिए हैं। ये देखिए ये सारा हमारा जो टेरेस था ये बंद कर दिया है। मुझे इतना दुख है ना, इतना इतनी हवा आती थी ना तेज़, अभी हवा का कोई कुछ पता ही नहीं है। अभी हम लोगों को ये कह रहे हैं अगर आपको नहीं सूट करा तो आप घर छोड़ दें, तो अभी हमने घर देखे भी हैं। बस मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला किसी को भी अपने घर से महरूम ना रखे, अल्लाह सबके अपने घर देख किराए पर ना हो, क्योंकि किराएदारों की जो लाइफ होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यकीन माने। ऊपर से ये परेशानियाँ कभी कुछ, जैसे अब हमारा यूपीएस ख़राब हो गया है, यूपीएस लेके आना है, जैसे मेरा मोबाइल टूट गया था वो ठीक करवाया, गाड़ी ख़राब है, इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मुझे आप लोगों की हेल्प की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े सारे बाहर डाले, वलीद बाहर गया हुआ बाज़ार, तो मैंने कहा था वलीद आप रोटियाँ ले आओ, तो वलीद रोटियाँ लेने गया है। तो अभी अंदर चलते हैं, दुआ जो है ना वो टीवी देख रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं थोड़ा बाज़ार गई भी थी, बिजी थी। मामा ने यहाँ पर सेवियाँ बनानी हैं, यहाँ मामा ने बना लिया है, अम्मी ने बनाया है चिकन, देखें माशाल्लाह मामा कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ बनाया बना रही है राइस, ठीक है। यहाँ मामा ने बना ली है कोफ्ते, सब डिशेस बहुत मज़ेदार है और बहुत यमी है। अब हम लोग वेट करें, तो जैसे मेहमान आएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी हम लोग मेहमानों का वेट कर रहे हैं और बच्चे टीवी देख रहे हैं। हमारे खाना खा के चले गए थे, उन्होंने मुझे कहा था वीडियो ना बनाना तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मेहमानों के खाने की वीडियो नहीं बनाए। मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे चैनल को। और अभी खाना छाना खा के हम लोग फारिग हुए हैं, तो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस घर की ज़्यारत कराए, अल्लाह हम लोग सब यहाँ पे जाएँ, मस्जिद नबी देखें, रोज़े रसूल देखें, अल्लाह ताला का घर देखें। मैं जब भी इसको देखती ना मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये घर लाजमी दिखाए, अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए, हम लोग हज करें, उम्रे करें, और रोज़े रसूल देखें, अल्लाह का घर देखें, वो कहते हैं हजरे अस्वद वो देखें, हम लोग सारा लाभ सबको भी दिखा, हम सबको भी। बस आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, यहाँ देखें बच्चे का करें। तो मेहमान जो थे वो तो मेहमान हमारे चले गए हैं, तो बच्चे यहाँ फारिग होकर बैठ गए हैं, खेल रहे हैं। तो चलें अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, तो प्लीज आप कह दो अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक एंड शेयर करें, गुड नाइट।